डिश टीवी का बॉक्स है और मॉडल नंबर आप देख लो, D5004HD। और प्रॉब्लम है इसमें, ये चल तो रहा है, ये देखिए ये चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद में बंद हो जाएगा। इसकी ये ग्रीन लाइट रेड लाइट में चेंज हो जाएगी और उसके बाद ही अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा और अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सेट में आती है तो सबसे पहले इसका ये अडोप्टर चेंज करके देख लें। कई बार अडोप्टर लोड नहीं ले रहा होता है, और कई बार क्या होता है कि अडोप्टर भी चल रहा है और सेट टॉप बॉक्स भी चल रहा है, नो सिग्नल की प्रॉब्लम होती है। उसमें भी मैंने कई बार देखा है, जो आजकल छोटे सेट टॉप बॉक्स आ रहे हैं उनमें अडोप्टर भी ख़राब होता है, उस वजह से नो सिग्नल की प्रॉब्लम होती है। तो जब सब कुछ ठीक लग रहा हो आपको कि सब कुछ चल रहा है और नो सिग्नल की प्रॉब्लम टीवी में आ रही है, तो भी आप अपना एक बार अडोप्टर चेंज करके देख लें। डीजे एंटीना हिलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर केयर को बुलाने की ज़रूरत है, सिर्फ एक बार अपना अडोप्टर चेंज करके देख लें। तो ये हुई एक फॉल्ट की बात। अभी हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है जो ये ऐसे कर रहा है। तो खोल लिया है इसको और आप देख लो इसका हाल क्या है। इसमें डस्ट इतनी ज़्यादा है और ये डस्ट नॉर्मल डस्ट नहीं है, ये कोई गांव की डस्ट नहीं है, ये एक शहर की डस्ट है। शहर का मतलब है इस डस्ट में बहुत सारे कार्बन, बहुत सारा कुछ मिला जुला होता है जो हवा में उड़ता रहता है। तो इसको क्लीन करना ज़रूरी है। सबसे पहले इसे क्लीन ही करेंगे हम और उसके बाद देखते हैं सेट टॉप बॉक्स हमारा ठीक होता है या नहीं। तो एक नॉर्मल बॉक्स से क्लीन कर लेंगे। ये देखो ये तो हाथ से ही छूट जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि ये धोने की भी ज़रूरत हो इसको। तो चलिए मैं क्लीन कर लेता हूँ एक बारी। तो इसमें मॉइस्चर तो नहीं है। तो आप देख रहे होंगे मैंने एक इस पर हीट सिंक लगाया, ये वाला इसका हीट सिंक ना काफ़ी गर्म हो रहा था, ये इसका जो प्रोसेसर है, तो मैंने एक हीट सिंक लगा दिया अलग से, एलपी से चिपका दिया है। तो ये तब से ठीक चल रहा है, तो ये इसलिए ट्रिप मारता था कि इसका जो प्रोसेसर था वो काफ़ी गर्म हो रहा था। तो इसका समाधान हो चुका है, फिलहाल 1-1.5 घंटे से चल रहा है। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।